इस्तिकामत दीन, सैयदना उस्मान गनी दा इस्तिकामत दीन क्या है? आप जड़े मेरे मेरे महबूब का कलमा पढ़े ने इस्लाम खिन आमन दे बाद आप दे चाचे हकम बिन अबी आस, हकम बिन अबी आस बिन उमैया ने पकड़े और मध्य ने आखिस तू प्यूदा ने दे दीन को छोड़ दे नवा दीन इख्तियार कर के दी उतरे तक ते को ना छुड़े सा जे ती दीन मुहम्मदी को तू ना छुड़े सी। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने जेड़ा जवाब दिता ए काबिल रश्क और काबिल गौर है, बल्कि ऐसे अल्फाज हैं कि सोने दे कागज होवें या चांदी दे कलम होवें या चांदी दे कागज होवें ते सोने दे कलम होवें उन्ना दे उत्ते लिखण दे काबिल हैं। सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया चाचा से सुन गए जान ता बच सकती है दीन मुस्तफा तो तब्दील बल्कि आपने फरमाया उसे जान दी दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ चाचा जान तो बन सकती है लेकिन ईमान दूर नहीं थी। मेरे करीम आका दे सहाबा इकराम जेड़े वेले ईमान घेने हैं ना बल इस्तिकामत दीन इतने थिए मजबूत दीन इतना थे जान दे नजराने तक पेश कर सकते हैं गर्दना कटा सकते हैं लेकिन नबी ने दीन तो फिर न सकते। सैयदना उस्मान ने गनी से फरमाया ऐ चाचा से जान तो बन सकती है गर्दन लहा सकती कि तू वड्डे चाचे तलवार मार सकती कि मैं तेरे को कुछ नहीं आ सकता लेकिन दीन मुस्तफा को उस्मान गनी नहीं छोड़ सकता। सुभानअल्लाह इश्क रसूल का सहजा नशा पीते से जिन गाजी इल्मुद्दीन ने पीते से सुभानअल्लाह मुमताज कादरी ने पीते ए हुजूर के गुलामे के अंदर जो इश्क मुस्तफा आ वजे ना सी वाला ए एक तलवार क्या हजारों में तलवार चलना पे होवे परवाह नहीं करे दे परवाह नहीं करें दे। हाँ इस वास्ते हजरत सैयदना उस्मान गनी ने यो कुछ फरमाया फरमाया दीन मुस्तफा तो नहीं छोड़ सकता लेकिन दुआ को छोड़ सकूं खानदान को छोड़ सकूं दीन मुस्तफा तो एक इंच क्या एक हिस्सा भी एक सूत्र भी है जो नसे दे सकते सारी जिंदगी दीन मुस्तफा की तबलीग ही की तो ने मतलब दीन मुस्तफा ने नाल आपने जो इमदाद की थी वो काबिल रश्क है लेकिन एक हदीस से बाद आप दी